हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप कि आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं, साथ में मैं भी पूरा प्रयास करता हूं कि आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करवा सकूं और आप बोर्ड एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट में 90% मार्क ला सकें। तो ऐसे में इस वीडियो में मैं आप लेकर आया हूं 12th हिंदी साहित्य के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में देखेंगे, ठीक है, जो कि 12th हिंदी के होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी किया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो अगर आप 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? का है लल्लूलाल, खा है सदा सुखलाल, गा है सदल मिश्र और घा है इंसा अल्लाह खां। देखिए, यहां पर गा दो बार है तो यहां पर घा रहेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर होगा सदल मिश्र, ठीक है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक जो है वो है सदल मिश्र, तो गा वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे, ठीक है, यानी कि बाल मुकुंद गुप्त जो थे वो किस युग के लेखक हैं? का है भारतेंदु युग के, खा है द्विवेदी युग के, गा है छायावादी युग के और घा है प्रगतिवादी युग के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, भारतेंदु युग के। बाल मुकुंद गुप्त जो है वो भारतेंदु युग के लेखक हैं। ऐसे ही मैं एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपको देखना है ताकि आपको सभी क्वेश्चन का आंसर पता चल सके और इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आपको छोड़ना ना पड़े, उसे सॉल्व कर ही आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है, यानी कि इन चारों में से कौन से लेखक हैं जिनके गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है? का है माखनलाल चतुर्वेदी के, खा है पांडे बेचन शर्मा यानी कि उग्र के, गा है जयशंकर प्रसाद के, घा है महादेवी वर्मा के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, महादेवी वर्मा के, ठीक है। तो महादेवी वर्मा जी के गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता है, तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार कौन है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कौन है, बताइए। का है गोस्वामी विट्ठलनाथ, खा है लल्लूलाल, गा है गोकुलनाथ, घा है नाभादास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, गोस्वामी विट्ठलनाथ, ठीक है। विट्ठलनाथ जो है उन्होंने श्रृंगार रसमंडन की रचना की है। तो आपको ये भी देखना है कि आपको कितने क्वेश्चन पता है, जो कुछ मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको उसमें से कितना क्वेश्चन पता है ये भी आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, यानी कि प्रेम सागर एक रचना है, इसको किसने लिखा है? का है राधा कृष्ण दास ने, खा है सदा सुखलाल ने, गा है राम प्रसाद निरंजनी ने और घा है लल्लूलाल ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, लल्लूलाल, ठीक है। प्रेम सागर को लल्लूलाल जी ने लिखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोहन राकेश की रचना है, इन चारों में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? का है लहरों के राजहंस, खा है बकलम खुद, ठीक है, और गा है तट की खोज, घा है समय सारथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस जो है ये मोहन राकेश जी ने लिखा है, ये उनकी रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? का है मथुरा नाथ शुक्ल, घा है दौलत राम, गा है राम प्रसाद निरंजनी, घा है ज्योतिरीश्वर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, ज्योतिरीश्वर, ठीक है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिरीश्वर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माधव बिलास के रचनाकार कौन है, यानी कि माधव बिलास एक रचना है, इसके लेखक कौन है? का है नाभादास, खा है लल्लूलाल, गा है गोकुलनाथ, घा है चतुर्भुज दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, लल्लूलाल, ठीक है। माधव बिलास रचना को लल्लूलाल जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बताइए। का है सन 1919 में, खा है सन 1920 में, गा है सन 1921 में, घा है सन 1922 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर कौन थे? का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा है भारतेंदु हरिचंद, घा है बाबू गुलाब राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष के पद पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गद्य विधा की संख्या है, यानी कि गद्य जो विधा है इसकी संख्या कितनी है? का है 3, खा है 7, गा है 11, घा है 15। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, 15, ठीक है, गद्य विधा की संख्या 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 15
यानी कि जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है वो किसका जन्म स्थान है, 15 किसका जन्म स्थान है, क है हरहरि प्रसाद द्विवेदी का, ख है राहुल सांकृत्यायन का, ग है भारतेंद्र हरिचंद का, घ है मोहन राकेश का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, राहुल सांकृत्यायन का। जो 15 है जो कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है वो राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म स्थान है, यहाँ उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चंद्रकांता संतति रचना है, यानी कि चंद्रकांता संतति किसकी रचना है, क है भारतेंद्र युग की, ग है द्विवेदी युग की, ग है छायावाद युग की, घ है छायावाद उत्तर युग की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, द्विवेदी युग की है। देखिए चंद्रकांता संतति जो है ये द्विवेदी युग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो राहुल सांकृत्यायन जी है उनका वास्तविक नाम क्या है, का है सुदामा प्रसाद पांडे, खा है वासुदेव सिंह, गा है बैद्यनाथ मिश्र, घा है केदारनाथ पांडे। तो राहुल सांकृत्यायन जी का वास्तविक नाम है केदारनाथ पांडे, तो घा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दौलतपुर राय बरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है, यानी कि जो दौलतपुर है ये किसका जन्म स्थान है, का है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, खा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है ऊपर महावीर प्रसाद द्विवेदी है, सॉरी का है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, खा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा है डॉक्टर वासुदेव फणन अग्रवाल, घा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दौलतपुर जो है ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म स्थान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक कौन है, यानी कि इनमें से कौन से लेखक हैं जिन्होंने छायावाद युग और द्विवेदी युग दोनों में अपनी रचनाएं की हैं, का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है गुलाब राय, घा है सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, गुलाब राय। ठीक है बाबू गुलाब राय जी ने छायावाद युग और द्विवेदी युग दोनों में अपनी रचनाएं की है, ठीक है तो ग वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव धर्मसार के लेखक कौन है, का है राजा लक्ष्मण सिंह, खा है सदल मिश्र, गा है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, घा है लल्लू लाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारती की रचना विधा है, यानी कि भारत भारती किस रचना की विधा है, ठीक है किस विधा की रचना है, का है कहानी, खा है उपन्यास, गा है नाटक, घा है काव्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, काव्य। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया, यानी कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं इनको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की उपाधि किसने सम्मानित की, का है हिंदी साहित्य सम्मेलन, खा है नागरी पचारणी सभा, गा है केंद्रीय शिक्षा संस्थान, घा है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, नागरी पचारणी सभा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ, या इस प्रकार से भी आ सकता है कि प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन कब हुआ, का है वर्ष 1932 में, खा है वर्ष 1936 में, गा है वर्ष 1938 और घा है वर्ष 1940। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, वर्ष 1936 में। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, का है सदल सुखलाल, खा है लल्लू लाल, गा है सदल मिश्र, घा है इंशाअल्लाह खां। तो इसका राइट आंसर सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है लेकिन जानते हैं, चलिए इंशाअल्लाह खां जी जो है उन्होंने रानी केतकी की कहानी की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा है, यानी कि जो अष्टयाम है वो किस भाषा में लिखी गई है, का है राजस्थानी, खा है ब्रज भाषा, गा है अवधी, घा है खरी बोली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, ब्रज भाषा। ठीक है अष्टयाम जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन राकेश रचनाकार है किस युग के, का है भारतेंद्र युग के, खा है द्विवेदी युग के, गा है शुक्ल युग के, घा है शुक्लोत्तर युग के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, शुक्लोत्तर युग के। ठीक है मोहन राकेश शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक कौन है, का ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, खा है माखनलाल चतुर्वेदी, गा है वासुदेव फणन अग्रवाल, घा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो छायावादोत्तर युग के गद्य के लेखक हैं वासुदेव फरण अग्रवाल। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है छायावादोत्तर काल के लेखक कौन है, इसमें से कौन है छायावादोत्तर युग काल के लेखक, का है विद्यानिवास मिश्र, खा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गा है गुलाब राय, घा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, विद्यानिवास मिश्र। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावादोत्तर युग का काल है, यानी कि जो छायावादोत्तर युग का युग है ये कब से कब तक रहा, का है 1868 से 1900 तक, खा है वर्ष 1900 से 1922 तक, गा है वर्ष 1919 से 1988 तक, घा है वर्ष 1938 से वर्तमान तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, वर्ष 1938 से वर्तमान तक जो अभी चल रहा है वो छायावादोत्तर युग ही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है किसके नाम पर? का है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, खा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, गा है जयशंकर प्रसाद के नाम पर, घा है रामकुमार वर्मा के नाम पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? इन चारों में से कौन है जो प्रसिद्ध आलोचक हैं? का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा है महादेवी वर्मा, गा है मुंशी प्रेमचंद, घा है जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, कौन सी बात गलत है? का है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, गा है रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, और घा है प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। ये गलत है, क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक नहीं है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? का है जैनेन्द्र कुमार, खा है गोकुलनाथ, गा है नाभादास, घा है लल्लूलाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, गोकुलनाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई किस युग में हुई? का है द्विवेदी युग में, खा है भारतेंद्र युग में, गा है छायावाद युग में, घा है प्रगतिवाद युग में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, भारतेंद्र युग में, ठीक है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भारतेंद्र युग में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की, यानी कि काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। का है रामचंद्र शुक्ल, खा है बाल मुकुंद गुप्त, गा है श्याम सुंदरदास, घा है मिश्र बंधु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, श्याम सुंदरदास, ठीक है। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदरदास जी ने की थी, उसकी संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारतेंदु युग के लेखक हैं, का है प्रताप नारायण मिश्र, खा है राहुल सांकृत्यायन, गा है वासुदेव फरण अग्रवाल, घा है जैनेन्द्र कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, प्रताप नारायण मिश्र। इनमें से प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंदु युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फदल मिश्र की रचना है, यानी कि इनमें से कौन सी रचना फदल मिश्र की है? का है प्रेम सागर, खा है नासिकेतोपाख्यान, गा है सुख सागर, घा है उदय भान चरित, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, नासिकेतोपाख्यान जो है ये फदल मिश्र की एक फेमस रचना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतेंदु युग के लेखक हैं, ठीक है, इनमें से कौन से लेखक भारतेंदु युग के हैं? का है बालकृष्ण भट्ट, खा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, गा है अध्यापक पूर्ण सिंह, और घा है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी, यानी कि जो आधुनिक काल है उसे गद्य काल किसने कहा? का है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और घा है बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार कौन है इन चारों में से? का है बाबू गुलाब राय, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है रामचंद्र शुक्ल, घा है गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था, यानी कि इनमें से कौन सा युग है जो हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल रहा? का है भारतेंदु युग, खा है द्विवेदी युग, गा है छायावाद युग, घा है छायावाद उत्तर युग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, भारतेंदु युग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं, इनमें से कौन से हिंदी गद्य साहित्य के जनक है, कौन से लेखक? का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा है पंडित लल्लूलाल, गा है भारतेंदु हरिश्चंद, घा है इंसाअल्लाह खां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, भारतेंदु हरिश्चंद। हिंदी गद्य साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है, यानी कि जो भारतेंदु युग की गद्य थी उसकी समय सीमा क्या थी? का है 1750 से 1850 तक, खा है 1850 से 1900 तक, गा है 1900 से 1920 तक, घा है 1920 से 1936 तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, 1850 से 1920 तक भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक कौन है? का है मुंशी सदा सुखलाल, खा है रामचंद्र शुक्ल, गा है बालकृष्ण भट्ट, घा है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, मुंशी सदा सुखलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक है, यानी कि जो प्रारंभिक युग के गद्य लेखक थे उनमें से दो राजा थे, उन दोनों में से एक का नाम क्या है? का है मुंशी सदा सुखलाल, खा है सदल मिश्र, गा है शिव प्रसाद सितारे हिंद, घा है लल्लूलाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है दो प्रमुख गद्य लेखकों में से, राजाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
सुख सागर के लेखक कौन है? का है लल्लू लाल, खा है मुंशी सदा सुखलाल, गा है इंशाला खां, घा है सदल मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, मुंशी सदा सुखलाल, ये जो है सुख सागर के लेखक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरिश्चंद्र को भारतेंदु युग की पदवी से सुशोभित किया गया, कब किया गया? यानी कि हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु युग की पदवी कब मिली, इनके आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा जाता है, तो भारतेंदु जो पदवी है वो कब इनको मिली? का है 1860 ईस्वी में, खा है 1865 ईस्वी में, गा है 1875 ईस्वी में, और घ है 1880 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ 1880 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवप्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? का है भारतेंदु पूर्वी युग, खा है भारतेंदु युग, गा है द्विवेदी युग, घ है छायावादोत्तर युग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का भारतेंदु पूर्वी युग, यानी कि भारतेंदु युग से पूर्व के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको शायद आप लोग पढ़ भी चुके हैं, फिर से आ गया क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, तो इसको मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, सदल मिश्र जो हैं नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। ठीक है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं? इनमें से कौन सी रचना को गोकुलनाथ जी ने लिखा है? का है श्रृंगार रसमंडन, खा है 84 वैष्णवन की वार्ता, गा है अष्टयाम, घा है पद्म पुराण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, 84 वैष्णवन की यात्रा जो है इसको विट्ठलनाथ गोकुलनाथ जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रसमंडन के लेखक कौन है? का है भारतेंदु हरिश्चंद, खा है महादेवी वर्मा, गा है गोसाई विट्ठलनाथ, घा है राधा चरण गोस्वामी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, गोसाई विट्ठलनाथ जो है ये श्रृंगार रसमंडन के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अष्टयाम के रचयिता कौन है? का है गोकुलनाथ, खा है वल्लभाचार्य, गा है नाभादास, घा है तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, नाभादास। अष्टयाम के रचयिता जो है वो नाभादास जी हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर आता है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो कहाँ है? का है आगरा, खा है मद्रास, गा है कलकत्ता, घा है पूना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है। एक क्वेश्चन जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर बताइए, निम्नलिखित राजाओं, निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? ठीक है, का है रामप्रसाद निरंजनी, खा है सदल मिश्र, गा है पंडित दौलत राम, घा है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये 50 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अब कमेंट में आपको बताना है कि इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पहले पता थे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।